एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज मैं आपके साथ में पूरे हफ्ते भर के लिए ब्रेकफास्ट का आइडिया शेयर कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट ऑप्शन शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, जो कि आपको वेट लॉस करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। और आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा रेडी से दिख रही हूँ। जनरली वेट लॉस वाले वीडियोज़ में इतनी रेडी नहीं रहती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने जस्ट अभी ये मेकअप किया था, सो आई थॉट कि इसको हटाने से बेटर है मैं इसी में ये वीडियो कर लेती हूँ, क्योंकि यार मैं बार बार चेंज करूँ बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। सो मैं आज आपके साथ में ब्रेकफास्ट ऑप्शंस शेयर करूंगी मंडे से संडे तक, लाइक पूरे हफ्ते का ब्रेकफास्ट ऑप्शन शेयर करूंगी। एंड मैं प्रॉपर रेसिपी आपको बना करके इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, मैं ओरली आपको रेसिपी समझा दूंगी, बिकॉज इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी रेसिपी मैं ऑलरेडी मेरे ब्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर शेयर कर चुकी हूँ और वो ब्लॉग्स मुझे मिल गए, तो वो मैं नीचे लिंक मैंशन कर दूंगी उन ब्लॉग्स की, और प्रॉपर टाइमिंग मैंशन कर दूंगी कि किस टाइम पर मैंने रेसिपी शेयर किया। तो आप वहाँ जा करके देख लेना रेसिपी को और वो आप फॉलो कर लेना, नहीं तो मैं अभी ओरली आपको पूरी रेसिपीज अच्छे से बता दूंगी। सो सबसे पहले फर्स्ट ब्रेकफास्ट देख लेते हैं, जो कि आपका मंडे का ब्रेकफास्ट रहेगा, वो है मूंग दाल और कैरेट का उत्तपम। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, डिलीशियस, टेस्टी एंड सुपर इजी ब्रेकफास्ट है, और बच्चों को भी पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है, और सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये। तो इसमें क्या करना है आपको, मॉर्निंग में जो दाल होती है मूंग की दाल, उसे भिगो देना है, नाइट में उसे पीस देना है, और रात भर उसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट डालें, तवे पर घी लगाएं, ये जो आपने बैटर प्रिपेयर किया है मूंग दाल का, इसको तवे पर डालें, और ऊपर से आप कीसा हुआ कैरेट, उसके साथ में टमेटो, प्याज, धनिया, जो आपको डालना है वो डाल दें, हल्का सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दें, एंड दैट्स इट। इसको आप अच्छे से फ्लिप करके दोनों साइड से पका लें। क्या होगा, गाजर वगैरह बहुत ही अच्छे से नहीं पकेंगे, थोड़े कच्चे रहेंगे, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। एंड प्लस जो मूंग दाल होती है वो रिच इन प्रोटीन होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। तो सबसे पहला ब्रेकफास्ट था टेस्टी हेल्दी मूंग दाल और कैरेट का उत्तपम। इसको आप किसी भी चटनी के साथ में आराम से खा सकते हैं। सेकंड ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, वो है मुठिया। मुठिया एक बहुत ही हेल्दी डिश होती है, और यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ मुठिया, ये है लौकी की मुठिया। इसमें आपको क्या करना है, लौकी को ग्रेट कर लेना है, ग्रेट करके आपको उसमें आटा डालना है। अराउंड आपने एक इतनी बड़ी लौकी को ग्रेट किया, उसका पानी वानी कुछ भी ना फेंके, उसमें आप दो कटोरी आटा डालें, देन उसमें आप सॉल्ट, जीरा, अजवैन और जो भी मसाले आपको थोड़े बहुत डालने हैं वो डाल दें। फिर इसको बिल्कुल आटे जैसा गूंद लें, गूंद करके देन इसकी ऐसी पतली पतली सी, इतनी मोटी मोटी सी स्टिक्स बना करके रख लें, और फिर उसको स्टीम दे दें, जैसा कि हम मोमोज को स्टीम देते हैं, बिल्कुल वैसे ही मुठिया को स्टीम दें, 20 मिनट्स के लिए स्टीम दें, और फिर उसको आप कट करके हल्का सा तड़का दे सकते हैं ऑयल और सेसमे सीड और मस्टर्ड सीड के साथ में। इसको आप अच्छे से सीजनिंग कर दें, इसके अच्छे से तड़का दे दें इसको, और फिर आप इसको किसी भी चटनी के साथ एंजॉय करें। बहुत हेल्दी, बहुत डिलीशियस ब्रेकफास्ट है ये, एंड आई थिंक ये गुजराती ब्रेकफास्ट है। सो ट्यूसडे को आप ये गुजराती ब्रेकफास्ट इंजॉय करिए। मैं तो बहुत ही ज़्यादा बनाती हूँ इसे, मतलब फ्रीक्वेंटली बनाती रहती हूँ, एंड मैं श्योर हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। थर्ड ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो कि आपका वेडनेसडे का ब्रेकफास्ट होगा, वो है अप्पे। अप्पे आप एन नंबर ऑफ वेज से बना सकते हैं, या तो आप इडली का बैटर आपका बच गया, उसमें आप सब्जियां कट करें और उसका आप अप्पे बना लें, अप्पे सांचे में डाल करके, नहीं तो आप जो रवा होता है, बारीक वाला रवा आता है, सूजी आती है, उसको आप कर्ड में या फिर बटर मिल्क में अच्छे से मिक्स कर लें, और कंसिस्टेंसी उसकी इडली के बैटर जैसी रखें, देन आप उसमें सब्जियां वगैरह काट के जो आपको डालना है वो डाल लें, सॉल्ट डाल लें, एंड देन अप्पे सांचे में डालकर आराम से अप्पे बना लें। सो ये है हमारा थर्ड ब्रेकफास्ट ऑप्शन। इसको आप किसी भी चटनी के साथ में, चाहे ग्रीन चटनी हो, पुदीना चटनी हो, पीनट की चटनी हो, आंवला की चटनी हो, किसी भी चटनी के साथ में आप इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो कि आपका थर्सडे का ब्रेकफास्ट ऑप्शन होगा, वो है रागी इडली। रागी इडली बहुत डिलीशियस होती है एंड बहुत हेल्दी होती है, और मैं ये जितनी भी रेसिपीज आपको बता रही हूँ ना, ऐसा ना सोचे कि इनको आपको बिना ऑयल के बनाना है और बिल्कुल ऑयल नहीं यूज़ करना है, बिकॉज वेट लॉस के लिए है, ऐसा नहीं है। ऑयल भी कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएंगे अगर आप ऑयल नहीं खाएंगे पतले होने के चक्कर में। तो गुड फैट बैड फैट में आपको अंतर लेना है, और ऑयल भी एक
पर्टिकुलर मात्रा में आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रेसिपी से भटक गई थी मैं, तो हम अभी रागी की इडली की रेसिपी की बात कर लें। तो क्या करना है इसके लिए, एक कटोरी आपको लेना है सूजी मतलब रवा, और एक कटोरी ही आपको लेना है रागी का आटा मतलब नाचनी का आटा। और इसमें आप कर्ड या बटर मिल्क मिक्स करें, आप थोड़ा सा सॉल्ट डालें इसमें, थोड़ा सा खाने वाला जो सोडा होता है ना वो डालें इसमें, इसका अच्छा सा बैटर बनाएं, इडली के सांचे पे डालें, आपकी इडली रेडी है, स्टीम ले लें। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम खाने वाला सोडा खा सकते हैं, बिकॉज जो पीने वाला सोडा है वो वेट लॉस में नहीं पीना चाहिए। सो ऑफकोर्स आप खाने वाला सोडा वेट लॉस में खा सकते हैं, मैंने खुद ने खाया है। ये जो मैं इतनी सारी रेसिपीज आपको बताती हूँ, मोस्ट ऑफ द रेसिपीज में जो खाने वाला सोडा होता है ना वो डलता है। डेली एक ह्यूमन बीइंग आधा चम्मच तक के खाने वाला सोडा कंज्यूम कर सकता है। और जब हम ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो हमारी पूरी फैमिली के लिए बन रहा होता है और उसमें आधा चम्मच हमारा जो खाने वाला सोडा है ना वो डलता है। तो पर पर्सन आप अगर डिवाइड करेंगे तो चुटकी भर खाने वाला सोडा आता है, तो विच इज़ ओके। तो खाने वाला सोडा आप अपने वेट लॉस जर्नी में कंज्यूम कर सकते हो। किसी भी चीज़ का एक्सेस करना बुरा होता है, बट थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। तो रागी की इडली रेडी है। अगेन इसको भी आप किसी भी चटनी के साथ, सांभर के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन जो कि फ्राइडे का ऑप्शन है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं इसको डिनर में, ब्रेकफास्ट में, लंच में कभी भी खा सकती हूँ, वो है वर्मिसली। वर्मिसली मार्केट से खरीद के लाएं, कोशिश करें कि आप रोस्टेड वाली लेकर आएं क्योंकि वो चिपकती नहीं है एंड टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। तो क्या क्या करना है आपको, बहुत इजी वे है, मैंने बहुत बारी वीडियोस में मेरे जो डेली ब्लॉग्स होते हैं उसमें बताया है। अगर आप मेरे डेली ब्लॉग्स नहीं देखते हैं तो देखा करिए, मैं जनरली रेसिपीज शेयर कर देती हूँ। वर्मिसली बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक बड़े तपेले में या फिर एक बड़े कंटेनर में आपको पानी गर्म करना है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल करके। जब पानी में उबाल आ जाए तो वर्मिसली डाल दें आप उसमें, मतलब जो सिवैयाँ होती है, रोस्टेड सिवैयाँ है तो बहुत अच्छी बात है, बिना रोस्टेड वाली थोड़ी चिपकती हैं, तो डाल दें। जैसे ही थोड़ा उबाल आ जाए, इसको ओवर कुक ना करें क्योंकि ये चुटकियों में पक जाती हैं, जैसे ही उबाल आ जाए इसको एक किसी भी छन्नी में डाल के इसका पानी आप निकाल लें। मीनवाइल जब आपका वो बॉईल हो रहा है तभी आप, जैसे हम पोहे के लिए तैयारी करते हैं ना, अनियन काटते हैं, टमेटो काटते हैं, बस इसमें आलू ना डालें, मैं आलू नहीं डालती हूँ, अनियन, टमेटो, मटर, ये सारी चीज़ें, और गार्लिक भी डालती हूँ मैं इसमें, इन सारी चीज़ों की अच्छे से सीजनिंग रेडी करती हूँ एंड उसमें फिर ये जो उबली हुई वर्मिसली होती है इसे डाल देती हूँ एंड लास्ट में धनिया से गार्निश कर देती हूँ, सॉल्ट वगैरह डाल देती हूँ, टर्मरिक नहीं डालती हूँ मैं इसमें। ये बहुत ही टेस्टी वर्मिसली की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे एक बार ट्राई करके देखिए, मैं श्योर हूँ आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो कि हम सैटरडे के लिए बोल सकते हैं, इसमें मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप रागी और गेहूं के आटे की रोटी बनाएं एंड इसको आप किसी भी सब्जी के साथ में इंजॉय करें। रोटी में घी लगाना ना भूलें, किसी भी सब्जी के साथ इंजॉय करें। यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये है मटर की सब्ज़ी, मटर और प्याज की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और इस पर्टिकुलर रोटी के साथ में जब घी थोड़ा ज़्यादा है और इस तरीके की सूखी सब्ज़ी होती है ना, तो वो नाश्ता करने में बड़ा ही मज़ा आता है। और चाय मैं जनरली रोज़ अपने ब्रेकफास्ट के साथ में या ब्रेकफास्ट के बाद में लेती हूँ, जो कि एक गंदी आदत है, बट वो आदत मुझसे नहीं छूट रही है, दैट्स वाई यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लेट में आपको चाय भी दिख रही है। अब जो लास्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन है वो है हमारा संडे का ब्रेकफास्ट, वो है हांडवो। हांडवो आई थिंक अगेन एक गुजराती ब्रेकफास्ट है, गुजरातियों की बहुत अच्छी हेल्दी डिशेस होती हैं। तो इसमें क्या है, इसको बनाने के एन नंबर ऑफ वेज हैं। इसको आप इडली के बैटर बच जाता है उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी दाल को भिगोइए, मल्टीपल दालों को भिगोइए, उनको पीसिए, उनको फर्मेंट करिए, उसका आप हांडवो बनाइए। या फिर आप सूजी को भी, जैसा मैंने रवा इडली बताया था आपको, वैसे आप सूजी को भी दही में या बटर मिल्क में अच्छे से भिगो करके, मतलब जो रवा होता है उसको अच्छे से दही या बटर मिल्क में भिगो करके अच्छे से खूब अच्छा बैटर बना लें, उसमें खूब सारी सब्जियां, जितने टाइप की सब्जियां हैं आपके पास में वो सब इस बैटर में डाल दें। देन एक बड़ी सी कढ़ाई लें, उसमें थोड़ा ऑयल डालें, ऑयल में कड़ी पत्ता, देन मस्टर्ड सीड, देन सेसमे सीड, ये सारे सीड्स डालें, ऊपर से ये बैटर डाल दें, बिल्कुल धीमी आंच रखें, ऊपर से ढक दें, तो ये बिल्कुल केक जैसा बन जाता है। दोनों तरफ से फ्लिप करके इसे पकाएं एंड देन इसको कट करके किसी भी चटनी के साथ एंजॉय करें। सब्जियां आपने इतनी सारी डाली हैं, वो सब्जियां
ओवर कुक नहीं होती है तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है. सो ओवरऑल बहुत ही हेल्दी एंड डिलीशियस ब्रेकफास्ट है हांडवो. ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करना. सो देखिए, इस वीडियो में मैंने पोहा, उपमा वगैरह और नॉर्मल इडली कवर नहीं किया क्योंकि वो जनरली हर कोई बनाता है. मैंने मेरी थोड़ी डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है एंड अगेन मैं कोशिश करूँगी कि इन सबके प्रॉपर रेसिपीज़ भी शेयर करूँ आपके साथ में. वो आपको मेरे इंस्टा पर मिल जाएगा. सो ये जो वीडियो है इसको मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ. और अगर ये वीडियो हेल्पफुल था तो लाइक करना ना भूलें. एंड येस, डिनर ऑप्शंस के भी ऐसे ही वीडियो आएगा. और लंच वैसे ज़रूरी नहीं है, लंच तो जो बनता है वो खाओ आप, बट डिनर ऑप्शन का भी ऐसा वीडियो जल्दी आने वाला है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो को लाइक करना ना भूलें. फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.